हेलो गाइस, मैं खुशी हूँ, आपका स्वागत करती हूँ खबर आउट में। छप्पर फाड़ कर आसमान से घर में गिरा अनमोल खजाना, रातों रात बन गया शख्स करोड़पति। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालते हैं, कहां से आ रहा है, इसके बारे में आप लोगों को फुल डिटेल देते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, करोड़पति करके कमेंट जरूर कीजिए। कभी कभार इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके कारण वो एक्चुअली में काफी बड़ा करोड़पति भी बन जाता है। क्या आपको कभी लॉटरी लगी है? क्या आपके पास अचानक से कभी कोई कहीं से पैसा आ गया जिसके बारे में आप लोगों ने कभी यकीन और कभी कभी सोचा ही नहीं था? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये जो पूरा मामला है हमारे सामने इंडोनेशिया से आ रहा है, जहां पर जोशुआ नाम का 33 साल का एक व्यक्ति जो है वो अपने घर में रहता था। अपने घर में रहने के साथ वो अपने घर के बाहर जाके कुछ काम कर रहा था। अचानक ही उसको घर के अंदर एक धमाके की आवाज आई। जैसे ही उसने भाग के घर के अंदर जाके देखा तो वहां पर एक पत्थर पड़ा था, जो जिसको देखते ही वो ये चीज समझ गया कि ये पत्थर किसी ने फेंका नहीं है, ये पत्थर जो है वो एक्चुअली में आसमान से गिरा है, यानी कि ये पत्थर नहीं, ये एक उल्का पिंड है। ये आवाज इतनी ज्यादा थी कि आजू बाजू के लोग भी जो है वो उसके घर पे आ गए। बताया जा रहा है कि ये उल्का पिंड जो है वो 4 अरब साल पुराना है, ये काफी ज्यादा दुर्लभ है और इसका एक्चुअली में वजन जो है वो 2.1 किलोग्राम बताया जा रहा है। इसके बारे में जब वहां के लोगों को और वहां के जब साइंटिस्ट को इसके बारे में पता चला तब वहां पर भीड़ जमा हुई। जमा होने के साथ वहां पर उस व्यक्ति से इसको खरीद लिया गया 10 करोड़ रुपए में। अभी बताया जा रहा है कि उसको ये पैसा जो है वो मिल चुका है और जब उससे बात की गई तब उसने ये चीज बताया कि वो काफी ज्यादा खुश है। छप्पर फाड़ के मुझे एक्चुअली में पैसों का ढेर मिला है, मेरे पास 3 लड़के हैं और मैं लड़की चाहता हूं और मैं ये पैसा जो है कुछ अच्छे कामों में अभी मैं यूज करूंगा, क्योंकि भगवान ने मुझे छप्पर फाड़ के पैसा दिया है। तो आई होप गाइस आप लोग भी जानकारी जान के काफी ज्यादा मजा आया होगा, करोड़पति करके कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।